नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार हमारे चैनल टेक टेक सचिन पर स्वागत। दोस्तों यहां पर हमारे चैनल आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं क्रिप्टो के रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस हो, अपडेट्स हो, या फिर नॉलेजेबल जो भी बातें हो आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल भी दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करेगा। यहाँ पर भी क्रिप्टो रिलेटेड लेटेस्ट स्पोर्ट्स हो या फिर अपडेट्स हो आपको टेलीग्राम चैनल पर भी देखने को मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करेगा। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्वाइन के बारे में जो आपकी पूरी तरह से लाइफ बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, लाइफ बदल सकती है, यानी कि सोचिए आज हम जो क्वाइन बता रहे हैं वो आपको किस तरह का फायदा दे सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपको वह क्वाइन 10x से लेकर 50x तक का प्रॉफिट आसानी से आपको जो कि इन आने वाले 2-3 सालों में दे सकता है। दोस्तों पैसा बनाना क्रिप्टो मार्केट में बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उतनी ही बड़ी बात नहीं है जितना कि पैसा गंवाना है। यानी कि पैसा कमाने के लिए भी आपको थोड़ा समय देना पड़ता है, लेकिन पैसा अगर गंवाना चाहे तो बहुत ही कम समय में आप उसमें गंवा सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट ऐसा है जहां पर आप सोच समझ कर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आने वाले कुछ ही दिनों में वहां से आप एक बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों स्टॉक मार्केट में जहां पर प्रॉफिट कमाना बहुत यानी कि मुश्किल है, यानी कि आप अगर पोजिशनल ट्रेड लेते हैं या फिर कोई भी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पर सिर्फ 1x 2x 3x हो गया इतना ही प्रॉफिट मिलता है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में आपको 10x 50x तक का प्रॉफिट आसानी से देखने को मिलता है। लेकिन आपको किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत ही सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना है। तो वही दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्वाइन के बारे में जिस क्वाइन में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके सपने यानी कि घर हो या फिर आपकी कोई गाड़ी बंगला कोई भी लेने का सोच रहे हैं, तो इस तरह के सभी सपने आप इस क्वाइन से जो कि पूरे कर सकते हैं। दोस्तों मैं इतना क्यों बता रहा हूँ तो इसको थोड़ा बहुत समझेगा। जिस क्वाइन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उस क्वाइन का नाम भी हम आपको अभी दिखा देंगे। दोस्तों उस क्वाइन से आप बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन उसके साथ थोड़ा बहुत आपको ध्यान से इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से प्राइस पर आपको बाय करना है और कौन से प्राइस पर सेल करना है इसको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा, वरना आपके पूरे सपने इस क्वाइन से जो कि छूट सकते हैं। तो चलिए जिस क्वाइन का नाम हम जो कि आपको बता रहे हैं, जिस क्वाइन के बारे में बता रहे हैं उस क्वाइन का नाम है पोलका डॉट। जी हाँ दोस्तों, पोलका डॉट के बारे में जो कि हमने पहले ही वीडियो बनाई है, यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं जो कि पोलका डॉट की कुंडली 2025 तक की प्राइस प्रेडिक्शन हमने यहाँ पर आप ऑलरेडी वीडियो बनाकर पब्लिश करके रख दिया है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमने यह वीडियो बनाया था करीब करीब 15 जून के दिन, तब पोलका डॉट की प्राइस आप देख सकते थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस $7.68 के आसपास था और रैंकिंग जो थी 11th नंबर पर रैंकिंग थी। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं, वरना आप मैं जो अभी वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो को आप देख कर भी आप समझ सकेंगे। पोलका डॉट जब मैंने वीडियो बनाया था तब 11th नंबर पर रैंकिंग था, अब 10th नंबर पर आ चुका है, यानी कि यह टॉप 10 नंबर पर आ चुका है, टॉप 10 पर इसकी रैंकिंग चल रही है। वॉचलिस्ट इसको करीब करीब 14 लाख लोगों ने वॉचलिस्ट में बनाकर रखा है ताकि इस पर वो नजर बनाए रखें। फिलहाल जो प्राइस चल रही है $9.22 और जब मैं वीडियो बना रहा था तब पहले जो वीडियो बनाया था तब 7.68 के करीब इसकी प्राइस चल रही थी, यानी कि तभी भी अगर आप इन्वेस्टमेंट किए होते हैं तो आज तक आप लगभग 20-30% का प्रॉफिट पोलका डॉट से बना सकते। तो दोस्तों फिर भी कुछ बात नहीं है, अब मैं बताऊंगा कि पोलका डॉट इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए वो भी बताऊंगा। उससे पहले मार्केट कैप के बारे में जान लेते हैं। 10.199 बिलियन मार्केट कैप इसका बन चुका है, फुल्ली डॉलेटेड मार्केट कैप $11.287 बिलियन है। वैल्यूम पिछले 24 घंटे में थोड़ा बहुत गिरावट इसमें देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको समझने की है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर कोई मैक्स सप्लाई यहाँ पर उन्होंने जो कि मेंशन नहीं किया है, यानी कि इसका सप्लाई अनलिमिटेड है और यह हमें एक इसके बारे में बैड पॉइंट बताता है। लेकिन दोस्तों इस बात का समझेगा, सप्लाई ऐसे ही वो नहीं बढ़ा सकते क्योंकि फिलहाल अब यह ग्रोइंग स्टेज पर है, बहुत ज़बरदस्त ग्रो कर रहा है और Web3 का प्रोजेक्ट होने के नाते यह आने वाले दिनों में बहुत ही जबरदस्त तगड़ा प्रॉफिट दे सकता है।
सिर्फ इसका बैड पॉइंट मैक्स सप्लाई यहाँ पर उन्होंने मेंशन नहीं किया है, कभी भी वे प्लस अपनी जो कि सप्लाई बना सकते बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट किस तरह से करना है, किस तरह से आपको सेल आउट करना है, प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है, सब भी बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहेगा। दोस्तों इसकी खास बातें क्या है यहाँ पर हम जानेंगे। सबसे खास बात यह एक Web3.0 का प्रोजेक्ट है दोस्तों, Web3.0 का प्रोजेक्ट है, यही हमें सबसे खास बनाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं द मल्टी चेन विजन फॉर द Web3 स्टार्ट हियर, Polkadot यूनिट्स एंड सिक्योर अ ग्रोइंग इकोसिस्टम ऑफ स्पेशलाइज्ड ब्लॉकचेन कॉल्ड अ पैराचेन। एक स्पेशली ब्लॉकचेन है जो कि ग्रोइंग इकोसिस्टम है, सिक्योर्ड है और यह टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है। एप्स एंड सर्विसेज ऑन Polkadot कैन सिक्योरली कम्युनिकेट अक्रॉस द चेन, फॉर्मिंग द बेसिस फॉर द ट्रूली इंटरऑपरेबल डिसेंट्रलाइज्ड वे। यानी कि यहाँ पर अगर आपके कोई भी प्रोजेक्ट है तो आप एक दूसरे के साथ जो कि टोटली सिक्योरली आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज होने के नाते यहाँ पर किसी का कोई यानी कि हाथ नहीं रहेगा, जो भी आप कम्युनिकेट करेंगे वो आपके और सामने वाला जो व्यक्ति है उस आपके बीच में ही रहेगा, तीसरा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होगा। आपका जो भी कंटेंट रहेगा, जो भी आपकी पर्सनल जो भी डिटेल्स होंगी यहाँ पर टोटल डिसेंट्रलाइज रहेगी। आपकी जो भी सिक्योरिटी के पर्पज़ में देखा जाए तो सभी आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हो या फिर जो भी आपके पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कोई मार्क्स हो तो वो यहाँ पर सिक्योर रहेंगे। डिसेंट्रलाइज्ड वेब आने वाले दिनों में बहुत ही तगड़ा तरीके से जो कि ग्रो करने वाला है। और डिसेंट्रलाइज्ड वेब यानी वेब थ्री के प्रोजेक्ट में नंबर वन की बात करें तो Polkadot ही है। पहला प्रोजेक्ट वेब थ्री का प्रोजेक्ट की बात की जाए तो पहला प्रोजेक्ट जो आता है वो आता है Polkadot, और यही सबसे खास बात Polkadot की में हमें बनाती है। ऐसे ही वन नंबर पर नहीं है क्योंकि यह वेब थ्री में बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस कर रहा है, इसलिए वेब थ्री के प्रोजेक्ट में Polkadot पहले नंबर पर आता है। दोस्तों इस वीडियो में भी हमने बहुत सारी डिटेल्स में बातें बताई हैं, फिर भी आज की इस वीडियो में अब हम बात करेंगे कि कौन से पॉइंट पर कौन से प्राइस पर आपको बाइंग करना है और कौन से प्राइस पर आपको सेलिंग करना है जिससे कि आप अच्छा खासा पैसा बना सके। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने ग्राफ ओपन करके रख दिया है। पिछली बार जब हमने वीडियो बनाया था तब प्राइस अराउंड जो कि $7 के आसपास थी, $7.6468 के आसपास थी तब हमने वीडियो बनाया था। तब से लेकर अब तक करीब करीब आपको 20% तक का प्रॉफिट आसानी से या फिर 20-30% का प्रॉफिट आसानी से हुआ होता। फिर भी अगर मैं समझता हूँ कि अगर आपने उस वीडियो को देखा ही नहीं है, आपने उस वीडियो को देखकर या फिर आपने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है, तो अभी फिलहाल आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट बनाकर चल सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों आने वाले दिनों में और भी Polkadot गिर सकता है और अपना जो लो है पिछली बार $5.99 के आसपास जो लगाया था उसको भी ब्रेक कर सकता है या फिर वहां तक आ सकता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यहां से प्राइस आएगा नहीं तो उसके लिए आप पहली इन्वेस्टमेंट अभी जो फिलहाल प्राइस चल रहे हैं $9.22 के आसपास वहां पर अपनी पहली बाइंग लगा सकते हैं। अब आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, अगर आप ₹10,000 Polkadot में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें से ₹3,000 आप अभी के प्राइस पर जो प्राइस चल रहे हैं $9.22 के आसपास वहां पर आप अपनी पहली बाइंग लगा कर सकते हैं। दूसरी बाइंग जब प्राइस $7 के आसपास आए, $7 के आसपास जब आती है तब आप अपना ₹3,000 यहाँ पर सेकेंड बाइंग आप लगा सकते हैं। पहली बाइंग जो अभी प्राइस चल रही है उस पर और सेकेंड बाइंग जो चल रही है $7 के आसपास आप सेकेंड बाइंग लगा सकते हैं। और थर्ड बाइंग आप $6 से लेकर $4 के आसपास अपनी थर्ड बाइंग जो कि ₹4,000 के आसपास लगा सकते हैं। इस तरह से आप थ्री पार्ट्स में अपने 10,000 को जो कि डॉट कॉइन में इन्वेस्टमेंट करेगा। इस तरह से करेंगे तो अच्छा खासा आपका DCA निकल कर आ जाएगा, आपका अच्छा खासा जो कि एवरेज निकल कर आ जाएगा। अब ये होगी बाइंग की प्राइस। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं यानी कि आप 1-2-3 साल रुकना चाहते हैं तो उसके लिए आपका पहला टारगेट जो रहेगा $30 के अराउंड रहेगा, वन ईयर या फिर 2 ईयर, इसमें ही यह $30 का जो प्राइस है उसको टच करेगा, वहां पर आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और आप सिक्योरली
सिक्योर तरीके से बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको अपना पोलका डॉट किस तरह से सेल करना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहली सेलिंग आपकी यहां पर रहेगी जो कि 24 से 25 डॉलर के आसपास रहेगी। सेकंड सेलिंग आपकी यहां पर डलेगी जो कि 35 डॉलर से लेकर 38 या फिर 40 डॉलर के आसपास रहेगी। थर्ड सेलिंग यहां पर रहेगी जो कि 45 डॉलर के आसपास रहेगी और बचा हुआ पोर्शन जो है आप धीरे धीरे उसको ट्रेल करते रहें। अब यहां पर थ्री पार्ट्स में मैंने सेलिंग बताया है और बचा हुआ यानी कि आपको 25% जो कि क्वाइंस आपको सेल करना है, यानी कि 25% क्वाइंस आप यहां पर 25 डॉलर के अराउंड सेल कर सकते हैं। उसके बाद फिर 25% जो क्वाइन है वो 35 डॉलर के अराउंड आप यहां पर सेल कर सकते हैं। उसके बाद फिर 25% आप 45 डॉलर के आसपास सेल कर सकते हैं और उसके बाद बचा हुआ 25% उसको आप ट्रेल करते चल सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप अगर अच्छा खासा बाइंग बनाकर अच्छा खासा इस तरह से पार्ट वाइज सेल करेंगे तो आप यकीन मानो बहुत बड़ा प्रॉफिट जो कि पोलका डॉट से कमा सकते हैं। आपको मालूम नहीं कि प्राइस कहां तक जाएगा इसलिए आप सेलिंग भी पार्ट वाइज करेगा और बचा हुआ 25% 45 डॉलर के ऊपर ट्रेल करते जाएगा, यानी कि 45 डॉलर के बाद अगर 50 डॉलर तक प्राइस जाती है तो आप अपना स्टॉप लॉस 45 डॉलर पर लगा सकते हैं। उसके बाद 50 डॉलर से फिर अगर प्राइस 60 डॉलर तक जाएगा तब आप अपना स्टॉप लॉस जो कि 50 डॉलर पर लगा सकते हैं। इस तरह से ट्रेल करते रहेंगे तो बचा हुआ 25% से आप बहुत बड़ा प्रॉफिट जो कि कमा सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से पोलका डॉट में आप अपनी बाइंग और एग्जिट बना सकते हैं। सच में बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है, आपके सपने जो कि यह पूरा कर सकता है। फिर भी दोस्तों इन्वेस्टमेंट करते वक्त सोच समझ कर करेगा, खुद का रिसर्च करेगा और मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास 1 लाख रुपी है, मैं हर बार हर एक वीडियो में मैं बताता हूं 1 लाख रुपी है, अगर प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा बहुत ही तगड़ा रहा लगा तो उसमें आप 10% का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि पोलका डॉट में मैंने बताया है 10,000 का इन्वेस्टमेंट, वो 1 लाख पोर्टफोलियो के हिसाब से था, आप वहां पर 10% इन्वेस्टमेंट पोलका डॉट में कर सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट उतना खास नहीं लगा जो कि मेमकॉइन है तो मेमकॉइन में 1% से लेकर 2% ही इन्वेस्टमेंट करेगा, और मीडियम तरह का प्रोजेक्ट है जो कि पोलका डॉट से थोड़ा कम है, टॉप 50 में आता है या फिर 30-40 के बाद आता है उसका रैंकिंग, तब उसमें अपना 5% जो कि इन्वेस्टमेंट बनाकर चल सकते हैं। इस तरह से अगर आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो सच में अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेगा और हमारे चैनल टेक्निक सचिन को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।